सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ और राजेंद्र नगर थाना की जॉइंट पुलिस टीम ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है। इनके पास से 101 मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और आईपैड बरामद हुए हैं। गैंग के 4 आरोपियों को भी पुलिस ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में छापा मारकर गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान राहिल खान, दीपक, अरमान और रहीदा के रूप में हुई है। ये सभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी से सेंट्रल दिल्ली के राजेंद्र नगर थाने के 5 मामलों का अभी खुलासा किया गया है। 2 अप्रैल को राजेंद्र नगर थाने के एरिया में बर्गलरी रिपोर्ट हुई, जिसमें कुछ कमरों से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का चोरी होना पाया गया। इस पे काम करते हुए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ और राजेंद्र नगर थाने की टीम बड़ी सफलता हासिल की है। इसमें इनिशियली क्लूज पे काम करते हुए उत्तराखंड के रुड़की जिले से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, दीपक और राहिल। उनके पास से लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन और कुछ टैब बरामद हुए। वहीं दूसरी ओर डीसीपी एम हर्षवर्धन के मुताबिक राजेंद्र नगर थाना इलाके में पिछले दिनों सेंधमारी की अलग अलग कई वारदातें हुई थी, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि सामान चोरी कर लिए गए थे। जांच में पुलिस को पता चला कि ये वारदात ओल्ड राजेंद्र नगर के अलग अलग अपार्टमेंट के कमरे से हुई है। उन मामलों को सुलझाने के लिए स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर रोहित कुमार और SHO राजेंद्र नगर की देखरेख में ज्वाइंट टीम में मामले की छानबीन शुरू की गई। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अपने लोकल इन्फॉर्मर की मदद से लेने शुरू कर दी। साथ ही चोरों का मोबाइल, लैपटॉप, टैब खरीदने वाले के बारे में पता लगाना शुरू किया। वहीं इसी छानबीन के दौरान पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक शख्स इस तरह के सामान खरीदता है जो हरिद्वार के रुड़की का रहने वाला है। तुरंत पुलिस की टीम रुड़की पहुंची और वहां से दीपक को हिरासत में ले लिया, जो लैपटॉप रिपेयरिंग का शॉप चलाता था। वहां से चोरी के आईपैड बरामद किए गए और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके साथी राहिल खान को भी पकड़ लिया गया। राहिल खान रुड़की हरिद्वार का रहने वाला है, उसके पास से कई लैपटॉप और आईपैड भी बरामद किए गए हैं। उनसे फर्दर पूछताछ में एक जो व्यक्ति इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे थे उनके बारे में पता चला, उसमें से एक अरमान को पकड़ा गया और एक मेजर रिसीवर राहिदा का नाम भी सामने आया। फर्दर हरियाणा में गुड़गांव के पास रेड करके राहिदा के पास से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए। इस तरह अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में 101 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रिकवर हुए हैं, जिसमें से कि 89 मोबाइल फ़ोन हैं, 5 आईपैड या टैब्स हैं और 7 लैपटॉप हैं। वहीं जब इन दोनों से आगे की पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि अरमान नाम के शख्स से लिया था। पता चला कि वे अपने भाई और दूसरे साथियों के साथ इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम देता है। फिर इनकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने गाजियाबाद में छापा मारा, अरमान को पकड़ा और वहां से 2 टैब और 5 चोरी के मोबाइल बरामद किए। उससे जब आगे की पूछताछ की गई तो आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह चोरों के साथ मोबाइल और लैपटॉप राहिदा और समीर को बेचता था। पुलिस टीम फिर हरियाणा के गुड़गांव पहुंची और वहां से राहिदा को उसके घर से पकड़ा। वहां से 84 मोबाइल बरामद किए गए हैं। दिल्ली से पंजाब केसरी के लिए कुणाल शर्मा की एक खास रिपोर्ट।